आशा पेरेंट्स को बच्चों को नागा इंस्टीट्यूट भेजने के लिए कन्विंस करती है। कैंप का डॉक्टर सारी बातें सुनकर डॉक्टर पिता को आकर बता देता है कि वे लोग दो दिन बाद जाएंगे। डॉक्टर पिता कहते हैं कि मैं उन्हें पनाम नागा से बाहर जाने नहीं दूंगा। आशा रिपोर्ट्स मिली कि किसी डॉक्टर बोन के बारे में पता करने के लिए कहती है और गार्डन में अनंत को मिस करके उसे आवाज लगाती है। अनंत को अंडरवाटर सिटी में पता चल जाता है। वह स्माइल करके वापस मेडिटेशन करने लगता है। नुपुक कहता है कि वो अभी वापस नहीं आया है। हेलीकॉप्टर्स बच्चों को लेने आ जाएंगे, 9 बजे रेडी रहना। आशा थैंक यू बोलकर जाती है। अकी अनंत को बता देता है कि कल आशा बच्चों को लेकर जा रही है। अनंत उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि कल फुल मून है। करूबा अनेक के पास आता है। अनेक कहता है कि फुल मून कल है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। करूबा पावर से उसे वहीं बांधकर कहता है कि स्पेल तुम्हें 2 दिन तक कहीं जाने नहीं देगा। डॉक्टर प्रीता कैम को हॉस्पिटल के बाहर डालकर चले जाते हैं। लोग उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। आशा चेक करती है कि इसकी टंग कट की गई है। अक्की करूबा के पास आकर कहता है कि अनंत अपनी पावर बढ़ा रहा है, आपका स्पेल उसे नहीं रोक पाएगा। करूबा वहीं बैठकर मेडिटेशन करता रहता है। अनेक की पावर बढ़ जाती है। वह करूबा को फायर सर्कल में बंद कर देता है और दूसरी फॉर्म में आकर बाहर चला जाता है। आशा चीफ से कैम को बड़े हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए कहती है। तीनों बच्चों के पास आकर उन्हें इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं। बच्चों के शोर करने पर डॉक्टर प्रीता उन्हें चुप कर देते हैं। बच्चे किसी को देखकर गॉड बुलाते हैं। वहां अनेक होता है और बच्चों को हिप्नोटाइज करता है। अकी आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। अनेक उसे हिट करके वहां से गायब कर देता है। बच्चे उन्हें डराते रहते हैं। शोर सुनकर सब लोग वहां आते हैं और बच्चों को देखकर शॉक हो जाते हैं। अनेक उन्हें हवा में उड़ाता है। पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं बट अनेक विनायत की हेल्प से आशा का नेकलेस निकाल देता है। तीनों वहीं छिपे होते हैं। बच्चे वहां से बाहर भाग जाते हैं और तीनों भी अनंत को भी सब पता चल जाता है। सोवी कहती है कि तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। नुपुक आशा को चेक करता है तभी अनंत वहां आ जाता है और नुपुक से नेकलेस लाने के लिए कहता है। वह अनंत नहीं अनेक होता है। अनंत केव से बाहर नहीं जा पाता। नुपुक को जाते हुए देखकर अकी कहता है कि बच्चों को मैं देख लूंगा, तुम आशा का ध्यान रखो। नेकलेस विनायत के पास है। आशा अनंत से कहती है कि तुम तो कल आने वाले थे। अनंत कहता है कि मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया और उसकी चोट देखने के लिए कहता है। आशा उसे देखकर शॉक हो जाती है। नुपुक विनायत से नेकलेस लेकर आशा के पास आता है। डोर लॉक होता है। अनेक अपनी मनी नागा लेने की कोशिश करता है। नुपुक डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और अनेक को हटा देता है। वो मनी नागा नहीं ले पाता। अनंत के गुस्सा करने पर वे उसे हिट करता है। दोनों से देखकर शॉक हो जाते हैं। अनेक कहता है कि ये मेरी है। नुपुक उसे नेकलेस से रोक देता है। वह गायब हो जाता है और केज में वापस आ जाता है। बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। अकी बच्चों के पास आ जाता है। करूबा कहता है कि मैंने समझाया था कि पाया करो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मनी नागा को छोड़कर अभी खुद को ठीक करो। अनेक उसे देखता है और मेडिटेशन करने लगता है। आशा बाहर आकर अनंत को ढूंढती है कि उसे चोट लगी है, वैसे कहां गायब हो गया। नुपुक कहता है कि वो ह्यूमन नहीं है, उसकी बॉडी पर नागा स्केल्स थे, क्या तुमने देखा नहीं। वह रेड लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो गया। आशा के बिलीव ना करने पर नुपुक कहता है कि तुमने ड्रीम में भी देखा था ना कि वे दोनों नागा किंग हैं। आशा याद करती है बट सीधा आकर उसे विनायत के पास चलने के लिए कहती है। आशा के आने पर विनायत कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि डॉक्टर प्रीता और वे दोनों हमें मारने आए थे। बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। अकी उन्हें देखकर स्माइल करता है और करूबा से कहता है कि अनेक के साथ क्या हुआ। करूबा कहता है कि पाया क्रोध की वजह से अभी वीक हो चुका है, कुछ दिन तक कुछ नहीं कर पाएगा। अकी कहता है कि इसका मतलब ये आशा को परेशान नहीं कर पाएगा। करूबा कहता है कि कुछ नहीं कह सकते, इसकी पावर्स कभी भी वापस आ सकती हैं। आशा अनंत से मिलने जाने के लिए कहती है। नुपुक कहता है कि शायद अनंत एक नागा है, तभी तो पाया क्रोध से हर्ट हो गया। आशा कहती है कि अनंत नागा नहीं है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। कासल में अकी सोवी से पूछता है कि मास्टर को चोट कैसे लगी। सोवी कहती है कि मास्टर आशा की हेल्प करना चाहते थे। अकी कहता है कि अब आशा को अनेक से प्रोटेक्ट कौन करेगा। तभी आशा आकर अनंत से मिलने के लिए कहती है। अकी कहता है कि मास्टर अभी वापस नहीं आए हैं। आशा कहती है कि मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। डुबुक कहता है कि हमें उससे बात करनी है। अकी कहता है कि तुम लोग उनसे कल मिल लेना, अभी नहीं। आशा कहती है कि तुम लोग क्या छिपा रहे हो।
सीता कहती है कि क्या अनंत और तुम दोनों नागा हो। नबुक के इशारा करने पर आशी अपना नेकलेस लेकर दोनों के पास जाती है। अनंत को पता चल जाता है। दोनों के पीछे हटने पर डोर टकराने लगते हैं। आकी और सुवी चले जाते हैं। नबुक कहता है कि दोनों डर गए थे, इसका मतलब ये लोग नागा से रिलेटेड हैं। सुवी अनंत के पास आकर उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। अनंत कहता है कि आशा को हम पर डाउट ना हो इसलिए ऐसा किया, बट अनेक की वजह से सब खराब हो गया। सुवी कहती है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम नागा गॉड हो। अनंत कहता है कि मुझे आशा को खुद से प्यार कराकर कर्ज खत्म करना है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं एक नागा हूँ, क्योंकि वो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती। रात में आशा वही सब सोचकर बाहर जाती है। नेकलेस रूम में ही होता है। आशा अनंत से मिलने आती है। अनंत गेट खोल देता है। अक्की कहता है कि मास्टर वहाँ नहीं है। तभी उसे अनंत की आवाज आती है कि उसे अंदर जाने दो। अक्की भेज देता है। अनंत वहाँ नहीं होता। उसे वही नागा पिन मिलती है। अनंत कहता है कि ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देगा। आशा के पिन लगाने पर वह बेहोश हो जाती है। अनंत उसे पास दिखाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कहता है कि तुम्हें जानने के बाद भी मुझसे प्यार करती थी कि मैं एक नागा हूँ, बट अनंत चली के कर्ज की वजह से तुम डरती हो। आशा अनंत को मिस करती रहती है। नबुक उसे चलने के लिए कहता है। अकी उन्हें डॉक्टर प्रीता से केयरफुल रहने के लिए कहता है कि शायद उसे तुम लोगों के जाने के बारे में पता है। आशा को जाते हुए देखकर अनंत स्माइल करता है। अनंत की तबीयत ठीक नहीं होती। वह सुवी को अपने पास बुलाता है। सुवी के जाने पर अनंत कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। सुवी कहती है कि तुम्हें कैसे पता अनंत ने मुझे बुलाया है। नागा स्केल शाइन करते हैं, बट अनंत कुछ नहीं बोलता। करुबाने को गलत काम करने से मना करता है और कहता है कि अनंत सुवी को आने नहीं देगा। अनेक कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और आशा से मनी नागा लेकर रहूंगा। जब तक वो फिनोम नागा में है मेरे पास चांस है। नर्स आशा को बताती है कि खेम की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। तीनों ने आते हुए देखते हैं। डॉक्टर प्रीता कहते हैं कि वे लोग जाने से पहले बच्चों को लंच जरूर कराएंगे। तुम दोनों बच्चों को मारकर यहाँ से चले जाना। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो एविडेंस भी नहीं होंगे। मेरा लॉयर मुझे बचा लेगा, मेरी फिक्र मत करना। एरी डॉक्टर प्रीता को ये सब करने के लिए थैंक यू बोलती है। सैंड के शूट करने पर वह जाकर उनकी कार के आगे आ जाता है। तीनों ने हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस भी वहीं होती है। डॉक्टर प्रीता खुद को मारने की कोशिश करते हैं, बट पुलिस उन्हें बचा लेती है। डॉक्टर प्रीता सबसे सॉरी बोलकर कहते हैं कि सैन और एरी ने मुझे धोखा दिया, बट मैं अब तुम्हारी हेल्प करूंगा। आशा कहती है 20 ईयर्स वाले एक्सपेरिमेंट से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। डॉक्टर प्रीता बताते हैं कि एरी और मैं क्लासमेट थे। उसने हैंड और माउथ डिजीज की वैक्सीन बनाकर सबको बताया कि इसे लोगों पर यूज कर सकते हैं, पर उसने झूठ बोला कि उसने लैब ट्रायल कर लिए हैं। उसने फिनोम नागा के लोगों पर उसे यूज किया और साइड इफेक्ट होने पर कंपनी बंद करके भाग गई। जब लून ने इन बच्चों के बारे में बताया तो एरी ने डर कर मुझसे हेल्प मांगी। आशा पूछती है कि डॉक्टर बून कौन है। डॉक्टर प्रीता कहते हैं कि वह एरी का फ्रेंड है जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बट वह कार एक्सीडेंट में मर गया था। विलेजर्स आकर डॉक्टर प्रीता को मारने के लिए कहते हैं। सब लोगों को बिजी देखकर सैन और एरी बच्चों के खाने में जहर मिला देते हैं। सैन डॉक्टर प्रीता को काम होने का सिग्नल देकर चला जाता है, बट बॉटल वहीं गिर जाती है। सब बच्चों को फूड सर्व कर दिया जाता है। पुलिस डॉक्टर प्रीता को ले जाती रहती है। सीता आकर आशा से कहती है कि बच्चे खाना खाकर बेहोश हो गए। आशा के अंदर आने पर पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं। बच्चों की हार्ट बीट रुकने लगती है। चीफ सबको बाहर ले आता है कि डॉक्टर्स को उनका काम करने दो। आशा बाहर आकर कहती है कि सॉरी मैं बच्चों को नहीं बचा पाई।